हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। तो मैंने ये पिन बोर्ड बनाया है आरुष के स्टडी एरिया के लिए। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं आरुष के स्टडी एरिया के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बनाने वाली हूँ। जैसे आपने पहले डस्टबिन देखी थी, इस बार ये पिन बोर्ड बनाया है जिसमें मैं आरुष के जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट वो करेगा और जो भी अच्छी चीज़ वो बनाएगा, मैं इसको यहाँ पर एक डिस्प्ले के तौर पर लगाऊंगी। तो आप भी ये अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए बताती हूँ मैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये थर्माकोल शीट ली है, ये 28x19 inches की है एंड 25 mm मोटी है। एंड ये A3 साइज़ की फोम शीट ली है ग्रीन कलर की। एंड ये कुछ ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, ये भी फोम की हैं, ये भी मैंने लिया है डेकोरेशन के लिए साइड में। एंड ये हॉट ग्लू गन है चिपकाने के लिए, ये सब फोम शीट इस थर्माकोल पे। आप फेविकॉल का यूज़ मत करना, हॉट ग्लू गन का ही यूज़ करना, क्योंकि इससे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है इसको। फेविकॉल चिपकाएंगे तो वो बहुत जल्दी कुछ दिनों में छूट जाएगा। तो ये अब मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच मिडल में चिपकाऊँगी इस हॉट ग्लू गन से, इस ग्रीन कलर की फॉर्म शीट को। आसपास में ब्लैक कलर की स्ट्रिप चिपकाऊंगी। तो चलिए, मेरा ये बेस तैयार है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं इसको, ये टेप होता है ब्लैक कलर का, इससे आसपास की बॉर्डर लाइन बनाऊंगी ताकि जो ये थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है ना आसपास, थोड़ा सा अच्छा दिखे और थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लुक आए। तो चलिए, अब हमारा पिन बोर्ड तैयार है। आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये आरुष के लिए बनाया है तो मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी ताकि ये बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। साइड में ये मैं ग्लिटर टेप चिपका रही हूँ इसकी बॉर्डर के लिए, रेड कलर का। और इस टेप का आइडिया आरुष ने ही मुझे दिया था, रेड कलर का। तो आप भी बच्चों से बीच बीच में पूछते जाइए क्योंकि कैसे इसको डेकोरेट करना है, तो उनको भी काफ़ी मज़ा आता है फिर इसको बनाने में। फर्दर डेकोरेट मैं इसको आरुष से ही करवा रही हूँ ताकि उसको भी ऐसा लगे कि उसने उसमें कुछ किया है, कुछ उसका भी क्रिएटिव रोल है इसको बनाने में। तो सारे स्टिकर्स जो भी चिपकाए हैं पिन बोर्ड पर, ये सब आरुष ने चिपकाए हैं, और उसको किस तरीके से चिपकाना ये आइडिया भी आरुष का ही था। तो आप भी बच्चों को इन्वॉल्व करवाइए इसके डेकोरेशन में ताकि बच्चों को ऐसा फील हो कि उन्होंने इसको बनाया है, और बाद में जब उसको देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एनकरेज होते हैं कि और भी ऐसी नई नई चीज़ें बनाएं ताकि वो इस डिस्प्ले बोर्ड पे उसको लगा सकें। सो गाइस, अब हमारा पिन बोर्ड बिल्कुल तैयार है डेकोरेशन के बाद। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और है ना बहुत सिंपल बनाने में। तो आप भी इसको बना सकते हैं। और मैं इसको डबल साइडेड टेप के थ्रू चिपकाऊंगी दीवार पे। मैं पिन कील का सहारा ले सकते हैं आप लोग अगर आपको लेना चाहे, बट मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ तो मुझे ये सही लगा कि मैं इसको डबल साइडेड टेप से चिपकाऊं दीवार पे। और ये काफ़ी हल्का होता है तो आराम से चिपक भी जाता है दीवार पे। तो आप भी ऐसे डबल साइडेड टेप से इसको चिपका सकते हैं। और पिन बोर्ड पर लगाने के लिए ड्राइंग वगैरह आप ये पिन का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल टेप से भी इस फोम बोर्ड पे चिपका सकते हैं। ये फोम की शीट होती है इसलिए आराम से जो भी टेप चिपकाते हैं वो निकल भी जाता है। तो पर मैं इस पिन का यूज़ करूँगी इसको यहाँ पे लगाने के लिए। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये पिन बोर्ड? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मैं आगे भी ऐसी और सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।